हैं, क्योंकि निशिया शहर में हम लोग सेकेंड ईयर स्टूडेंट हैं और यहाँ माहौल काफ़ी ख़राब है, कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है। तो मैं आपको अपने आप ही बताना चाहता हूँ, रात में ऐसा था कि हम सो रहे थे, कुछ नहीं पता था, लेकिन सुबह उठने के साथ एकदम से माहौल बदल गया, हमें सायरन की आवाज़ से हम उठे हैं। हमारे घर वाले भी बहुत परेशान हैं, वो हमें कॉल करे जा रहे हैं कि कैसे क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, घर क्यों नहीं आ रहे हो, हमको कैसे बताएं कि कोई सुविधा नहीं है आने जाने की, एयरप्लेन भी बंद हो गए हैं आना जाना, घर वालों भी बहुत परेशान, फोन आ रहे हैं कि क्या क्या करा जाए, कैसे रह लो, क्या हो रहा है, हमें ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होगा, और यहाँ पे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, खाने पीने का सामान भी मतलब खत्म हो रहा है, लाइक राशन पानी का जो सामान है वो बहुत खत्म हो चुका है, क्योंकि जैसे हम सुबह धमाके से मतलब धमाके की आवाज़ सुनकर उठे तो हम पहले तो राशन लेने गए, क्योंकि हमें हम चाहते थे कि चार पाँच दिन का राशन हमारे पास रहे। तो जैसे ही हम गए राशन लेने, वहाँ पे देखे कि बहुत बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, तो राशन भी पूरा ख़त्म हो गया था और पानी के लिए भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है। इसलिए हम जो है इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी से विनती करना चाहते हैं कि इन सबको किसी तरह अच्छे प्रोसेस से विकट करा जाए, और हम आप सबको भी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सरकार तक, न्यूज चैनल तक पहुँचाए, ताकि हमारी बात सरकार तक पहुँचे। कल ही हमारे आधे से ज्यादा बच्चे और मेरे बहुत सारे ग्रुपमेट्स एंड मेरे बहुत सारे दोस्त की से घर जा रहे थे, और वहां पे बीच में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उन लोगों को बीच में रोक दिया गया है, उन लोगों को बीच से ही भेजा गया है। उसके लिए अगर वो लोग इंडियन एम्बेसी को कॉल वगैरह ट्राई करें कि सर हम यहाँ पे स्टक हो गए हैं, हम लोग को आगे बताएं कि हम लोग कैसे क्या हम टर्नोपिल तक जाएं या फिर हमें आगे कहाँ जाना चाहिए, उन लोगों का इसके लिए कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है, वो लोग कुछ भी आंसर नहीं कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी कह रही है कि तुम लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं, तुम लोग बस क्लास आओ, उन लोगों को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है, इवन इंडियन गवर्नमेंट को हमारी लाइफ की कोई भी वैल्यू नहीं है। इस सिचुएशन में भी उन लोगों ने एयर टिकट 60-70,000 की हुई है, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी, एक तरीके से चलो ठीक है जो भी हाई क्लास फैमिली है वो एक बार के लिए पे भी कर दे, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली होगी कैसे 60,000 की इतना टिकट करा के वो चले जाए इस सिचुएशन में, जबकि उन्हें हमें एवैक्यूएट करवाना चाहिए। उन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 20,000 स्टूडेंट्स, मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन में पढ़ रहे हैं, हमारे देश के फ्यूचर के लिए तो ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, चलो हम हमारे लिए भी पढ़ रहे हैं, बट फिर भी इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा इतना तो सोचना चाहिए ना कि अभी एवैक्यूएशन का चलो आप अगर फ्री नहीं करवा सकते तो प्राइस तो आप थोड़ी कन्वीनियंट कर दो ना, ताकि सबके लिए इजी। हम लोग के जस्ट बगल में 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। सब लोग डर के सब सामान यहाँ पे पूरा खरीद रहा है, सब लोग काफी सामान मिल भी नहीं रहे, जो सामान अवेलेबल रहता सब खत्म हो चुके हैं, बहुत शॉर्टेज पड़ रहा है सामान के, बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे। हम लोग को जल्द से जल्द प्रबंध किया जाए, हमारी भारत सरकार से अपील है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए, इवैक्यूएट करा जाए, हमें एयरलिफ्ट किया जाए, जल्द से जल्द आपसे रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज प्लीज निकाल लीजिए हम लोग को, प्लीज निकाल लीजिए, बहुत हम लोग डरे हुए हैं बहुत ज्यादा, घर वाले बहुत परेशान हैं हम लोग को, प्लीज प्लीज निकाल लिया जाए। देखिए आपका यहाँ का माहौल दिखाते हैं, ये देख लीजिए स्थिति देख लीजिए, बहुत नाजुक हो चुकी है, लोग खरीद रहे सामान पूरे इकट्ठा कर रहे हैं काफी दिन से, हमारे घर वाले बहुत परेशान हो रहे हैं, आप जल्द से जल्द कुछ करिए।